सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ दो फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में जो इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, जिसका नाम है मोटोरोला G6 और G6 प्ले। ये फ़ोन ग्लोबली तो लॉन्च हो चुके थे पर ये इंडिया में आज जो लॉन्च हुए हैं, तो मैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना चाहूँगा, इसमें क्या अलग है और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इसके बारे में बताना चाहूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूँगा। तो हम दोनों की साथ में एक स्पेसिफिकेशन में बताना चाहूँगा, मोटोरोला G6 और G6 प्ले की जो दोनों की जो डिस्प्ले है वो 5.7 इंच की डिस्प्ले दी गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मोटो G6 में आपको फुल HD प्लस की 18:100 एक्सपेक्टेशन वाली IPS पैनल वाली डिस्प्ले आपको मिलती है और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिलता है। 3D ग्लास बैक का आपको इसमें डिस्प्ले की बॉडी मिलती है और आपको P2IT वाटर कोटिंग का इसमें आपको प्रोटेक्शन, आपको वाटर रेजिस्टेंट आपको प्रोटेक्शन मिलता है। जबकि आपको मोटो G6 प्ले में आपको HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको फुल HD रिजोल्यूशन नहीं मिलता, वो भी आपको 18:100 एक्सपेक्टेशन के साथ में आपको IPS पैनल में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसके चिपसेट की, तो आपको स्नैपड्रैगन का 450 मिलता है जो मोटो G6 में आता है। इसमें आपको 1.8 GHz पे ऑक्टाकोर पे चलता है ये और इसका GPU आपको 5066 आपको मिलता है। जबकि आपको मोटो G6 प्ले में आपको स्नैपड्रैगन 430 मिलता है, ऑक्टाकोर 1.4 GHz पे काम करता है और ये इसका GPU आपको एड्रिनो का 505 आपको मिलता है। तो ये दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। जबकि आपको मैं बता दूं कि मोटो G6 में आपको जो 450 जो प्रोसेसर मिलता है वही प्रोसेसर आपको रेडमी 5 में भी मिल जाता है। तो ये थी इसका चिपसेट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके रैम और रोम वेरिएंट की, तो आपको मोटो G6 में दो वेरिएंट मिलते हैं, 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में और 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में दो वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। जबकि मोटो G6 में 6 प्ले में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। तो ये थी रैम और रोम वेरिएंट की बात। अब इस पे एक्सपेंडेबल स्टोरेज की बात करें तो आपको दोनों में आप 256GB तक आपको एक्सपेंड कर सकते हो क्योंकि इसमें डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है इसमें। अब हम बात करते हैं इसके कैमरा, तो रियर कैमरा की बात करें तो मोटो G6 में आपको ड्यूअल कैमरा रियर कैमरा मिलता है जबकि आपको मोटो G6 में सिंगल कैमरा आपको मिलता है। तो मोटो G6 कैमरा की बात करें, ड्यूअल कैमरा की बात करें तो 12+5 MP का कैमरा मिलता है, f1.8 का एपर्चर इसमें दिया गया है वो भी सिंगल LED फ्लैश के साथ में। आप इसमें 1080p तक 16 FPS तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। अब मोटो G6 की बात करें तो इसमें आपको एक ही कैमरा मिलता है रियर कैमरा 13 MP का जो f2.0 का इसमें एपर्चर दिया गया है, इसमें भी सिंगल LED फ्लैश के साथ दिया गया है। 1080p तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 13 FPS तक के आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके दोनों के फ्रंट कैमरा की, तो मोटो G6 में आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है वो लो लाइट सेल्फी के लिए और इसका रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो 1080p तक, 13 FPS तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो सेल्फी कैमरा से। जबकि आपको फ्रंट कैमरा मोटो G6 प्ले में आपको 8 MP का मिलता है, इसका भी आप रिकॉर्डिंग आप 1080p तक कर सकते हो 13 FPS तक के। अब हम बात करते हैं इसकी बैटरी की दोनों की, तो आपको मोटो G6 में 3000mAh की बैटरी मिलती है जबकि मोटो G6 प्ले में आपको 4000mAh की बैटरी मिलती है। दोनों में आपको टर्बो चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि और हम बात करते हैं कि कनेक्टिविटी की, तो आपको कनेक्टिविटी में बता दूं कि मोटो G6 में आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट मिलते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको फ्रंट माउंटेड मिलता है और डॉल्बी साउंड का सपोर्ट इसमें दिया गया है। जबकि मोटो G6 प्ले में भी ऐसा ही है, सेम है सब कुछ, पर इसमें फर्क है कि माइक्रो USB इसमें पोर्ट दिया गया है, टाइप सी का पोर्ट इसमें नहीं दिया गया है और टर्बो चार्जिंग का भी दोनों में आपको सपोर्ट मिल जाता है, डॉल्बी साउंड भी आपको मिल जाता है और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड मिलता है, फ्रंट माउंटेड नहीं मिलता है इसमें। तो ये थी कनेक्टिविटी की बात। अब हम बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में दोनों में आपको एंड्रॉयड ओरियो 8.0 आपको मिल जाता है इस फोन में। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की, तो और किस पे अवेलेबल हो जाएगा,
तो मोटो जी सिक्स है वो आपको 13,999 रुपए 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आपको मिलता है, और 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ बात करें तो इसमें आपको 15,999 रुपए यानी कि 16,000 में ये फोन मिलता है। एक ही कलर वेरिएंट है इसमें, ब्लैक कलर का वेरिएंट इसमें दिया गया है और अमेजोन पे आज रात को अवेलेबल हो जाएगा सेल के लिए। और मोटो जी सिक्स प्ले की बात करें तो इसकी प्राइस आपको 11,999 रुपये में यानी कि 12,000 में ये फ़ोन पड़ेगा, और इसकी दो कलर में वेरिएंट आपको मिलते हैं, ब्लैक और गोल्ड कलर में दोनों में मिल जाता है ये फ़ोन, और फ्लिपकार्ट पे भी आज ही सेल रात के 12 बजे आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको बात करता हूँ कि ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो इस फ़ोन की इस प्राइस में आपको फ़ोन में बता दूँ कि दूसरी ब्रांड में आप जा सकते हो, क्योंकि इस फ़ोन में सभी कुछ अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इसमें टर्बो चार्जिंग का सपोर्ट आपको दिया गया है, प्लस आपको ग्लास पैनल आपको मिलती है दोनों की तरफ, कैमरा भी अच्छा है, सब अच्छा है, पर इस प्राइस में बहुत ज़्यादा प्राइस इसमें रखी गई है, 14,000 और 16,000। जो 14,000 16,000 की बात करें तो इससे आप 14-15,000 थोड़ा ऐड करके आप Redmi Note 5 Pro ले सकते हो, इस फ़ोन में नहीं ले सकते हो Moto G6 में। और इसमें आपको 450 प्रोसेसर मिलता है, 636 आपको प्रोसेसर नहीं मिलता है इस प्राइस रेंज में, तो ये थोड़ी बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो ये थी दो फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में दोस्तों, और मैं दोनों की आपको जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो ये फोन आप। तो दोस्तों ये थी Moto G6 और Moto G6 Play की स्पेसिफिकेशन के बारे में दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।